तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना, हम क्रिस फोर को लेकर के लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है। वहीं पर क्रिस फोर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आज हम लेकर आए हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं क्रिस फोर जैसे आप कोई मिल गया से इसका सिलसिला चालू हो गया था। इसको शुरू से ही यानी कि ऋतिक रोशन के डैडी जो है राकेश रोशन इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं। वहीं पर राकेश रोशन जो है अपने बेटे यानी ऋतिक रोशन के फ्यूचर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते थे, इसलिए उनके फ्यूचर को लेकर के इस मूवियों का जो बहुत अच्छे से प्रोड्यूस किया और काफ़ी अच्छे इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली। लेकिन वहाँ पर ऑडियंस के दिल में अभी सबसे बड़ा जो सवाल है कि क्रिस फोर हमें कब तक सिनेमाघरों में देखने को जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे क्रिस फोर जो मूवी है एक अच्छे मुद्दे की मूवी है, लोग इसको बड़े से लेकर बच्चों तक काफी ज्यादा पसंद की जाने वाली मूवी है। राकेश रोशन और ऋतिक रोशन ने खुद अपने एक बयान में कहा था कि इस मूवी को हमें बहुत जल्द सिनेमा घरों में लाना चाहिए, लेकिन कुछ अमाउंट की दिक्कत होने की वजह से शायद मूवी थोड़ी ढीली हो रही है और इसके स्क्रिप्ट पर भी काम चल रहा है। अगर इसकी बात की जाए तो 600-700 करोड़ में यह मूवी बनकर रेडी होने वाली है, जो कि इसको कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल बनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि शायद 2024 में नहीं 2025 तक शायद हमें ये मूवी देखने को मिले तो मिले, नहीं तो भी भाई 26 में भी इसके कुछ कंफर्म डाटा सामने क्लियर होकर नहीं आए हैं। लेकिन ऋतिक रोशन के अगर बयान की मानी जाए तो ऋतिक रोशन के जब बयान लिए गए तो ऋतिक रोशन ने क्रिस फोर के बारे में यही उम्मीद जाहिर किया कि ये मूवी हम बहुत जल्द पब्लिक के सामने देंगे, लेकिन थोड़ा ढीले जरूर हो रही। देखो किसी भी अच्छी चीज़ को करने के लिए को ढीले जरूर किया जाएगा। इस मूवी के पीछे यानी कि ऋतिक रोशन के डैडी जो है वो राकेश रोशन पूरी तरह से लगे हुए हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं अभी तो ऋतिक रोशन की फाइटर मूवी रिलीज होने वाली है, जो कि बहुत ही जल्द हमें सिनेमाघरों में दस्तक देते हुए नजर आ रही है और ऑडियंस उस मूवी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, जो कि 5-6 दिन के अंदर रिलीज हो रही है। फिर यार क्रिस फोर की अगर मेन मुद्दों की बात बताऊँ तो अभी क्रिस फोर का कोई भी दूर दूर तक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो पड़ रहे हैं क्रिस फोर पर ये होगा वो होगा। तो दोस्तों ये सब झूठी खबरें हैं, इन पर कोई बिलीव नहीं करना। अभी तो क्रिस फोर का कोई भी रिकॉर्डमेंट नहीं है। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी राय जरूर लिखिएगा क्रिस फोर कब तक आप देखना पसंद करेंगे। मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो।